Very good morning, class. Today I'm going to start the third chapter of Democracy and Diversity of Democratic Politics, class 10th. बेटा इससे पहले आपने फेडरलिज्म और पावर शेयरिंग पढ़ा, उसमें भी हमने एथनिक ग्रुप स्टेटस और डिवीजन कैसे है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन क्या है, उसके बारे में पढ़ा. सबसे पहले ये चैप्टर शुरू करने के साथ साथ मैं आपको दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि जब तक आप चैप्टर के टाइटल को नहीं समझोगे तो आपको कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आएगा. डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो है वो आप सेवन्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हो, नॉट इवन सेवन्थ, इवन सिक्स से पढ़ते आ रहे हो, तो यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस टर्म. देखो बेटा, डेमोक्रेसी उसका मेन जो टैगलाइन है वो है फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल. जनरली हम डेमोक्रेसी में कहते हैं देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, लैंग्वेज, रीजन, रिलीजन और क्रीड. ओके, किसी को भी इन बेसिस के ऊपर हम डिस्क्रिमिनेट कर नहीं सकते. एवरी सिटीजन इज़ इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. कोई भी सोशल स्टेटस, उसका एथनिक कंपोजिशन, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी चीज़, मतलब उसमें आप कह लो बैरियर नहीं बनेगी. इक्वालिटी में सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे. डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी इज़ डाइवर्स, डिफरेंट, अलग अलग होता है जो. तो डेमोक्रेसी और डिफरेंस का क्या रिलेशनशिप है? देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी है इसीलिए डेमोक्रेसी को हमने ऑप्ट किया है, और डेमोक्रेसी है इसीलिए डाइवर्सिटी को हम कह लो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं और साथ लेकर चल रहे हैं. अगर डेमोक्रेसी ना हो तो डाइवर्सिटी का कंसेप्ट फेल हो जाएगा. मतलब एक साथ सबको इकट्ठा करके रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा. तो देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप एंड द पॉजिटिव रिलेशनशिप एज वेल एज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी. पॉजिटिव तो आपने समझ लिया कि देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन एंड सो ऑन, बट देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन अमंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन एंड सो ऑन. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जब अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रिलेशनशिप भी है. ठीक है, तो डेमोक्रेसी आपको समझ आ गया, आई होप आपको डाइवर्सिटी भी समझ आ गया. इस चैप्टर में बेटा बेसिकली आपके साथ ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स शुरू हो गया है, तो ऑब्वियसली आपको थोड़े बड़े लेवल के टॉपिक्स इसमें डिस्कस किए होंगे. तो इसमें एक मैक्सिको ओलंपिक्स का ब्लैक पावर के अगेंस्ट में एक स्टोरी दिया हुआ है. सबसे पहले तो ब्लैक पावर समझिए क्या होता है. देखो बेटा, अफ्रीका में क्या होता था, अफ्रीका के लोग जनरली स्किन वाइज, कलर वाइज ब्लैक हैं, जिनको आप नीग्रोज भी बोलते हो. ठीक है, देखो बेटा, वहाँ के उनके ज्योग्राफिकल फीचर्स ऐसे हैं या कैलो रिलीफ फीचर्स ऐसे हैं कि वो उनकी स्किन वैसी हो गई है. ठीक है, ड्यू टू द क्लाइमेटिक इफेक्ट, वो इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर है जिसकी वजह से वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, एक्सेस टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से स्किन बर्न की वजह से उनकी स्किन वैसी हो गई है. अमेरिका बिल्कुल डिफरेंट, अपोजिट, इक्वेटर से थोड़ा दूर है और वहाँ पर थोड़े पोलर रीजन्स हैं जिसकी वजह से क्या होता है, वो लोग वाइट हैं. एंड आपको भी पता है कि ये जो कलर डिस्क्रिमिनेशन है इंडियंस के साथ भी हुआ था जब हम स्लेव थे ब्रिटिशर्स के अंडर. तो सेम वही चीज़ है ब्लैक पावर में. क्या था कि अमेरिका में अफ्रीकन जो थे, जो रहते थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ कलर. उनको ब्लैक केस बोला जाता था. उनके बच्चे अमेरिकन के बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते, उनके खिलौने नहीं यूज़ कर सकते. उनके बच्चों में और उनके बच्चों में बहुत डिफरेंस, स्कूल्स अलग, कॉलेजेस अलग, और उनके राइट्स नहीं, उनको बेसिक राइट्स नहीं मिलते थे. उनके बच्चों को साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था. एंड इसमें से एक टर्म आपको हमेशा याद रखनी है, दैट इज़ अपार्थेड. अपार्थेड इज़ द वर्स्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. एक फॉर्म है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का. तो उस टाइम पे वो स्लेव्स बना के रखते थे अमेरिकन्स जो थे अफ्रीका के लोगों को, और उनको सेल भी कर देते थे. वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम की बात है, और फर्स्ट के बाद और सेकेंड जब शुरू होने वाला था उस पीरियड की बात है. इन लोगों को ट्रेड किया जाता था. अमेरिकन्स क्या करते थे, इन लोगों को एक तरह से स्लेव्स बना चुके थे, उनको नौकरों की तरह अपने घर में काम करवाते थे, उसके बाद इनको बेच देते थे और बदले में पैसे ले लेते थे. तो कहीं ना कहीं इनकी जो कह लो कि ह्यूमैनिटी नाम की तो चीज़ ही नहीं थी, दूसरा इनको ह्यूमन बींग्स भी नहीं समझा जा रहा था, और इनकी कंडीशन जो थी बहुत ही मिजरेबल थी.
ठीक है। तो नेल्सन मंडेला ने एक आप कह लो एक मूवमेंट चलाया और इस सब डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई और वहाँ के लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया, तो जाके अफ्रीका जो है और वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अपनी डिग्निटी को अर्न किया है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अर्न किया है, साथ के साथ एक सोसाइटी में रिस्पेक्टेबल पोजीशन को भी अर्न किया है। तो नेल्सन मंडेला ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया और वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे, उनसे छोटी उम्र में कोई भी अभी तक प्रेसिडेंट नहीं बना, और उन्होंने इसी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठाई थी। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि अफ्रीका के लोगों के साथ कैसे होता है, ये बात है 1960 की, ओलंपिक गेम्स हो रही थी मैक्सिको में। तो वहाँ पर ना दो अफ्रीकन एथलीट्स थे, टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्ल्स। तो अफ्रीकन अमेरिकन्स, अफ्रीकन अमेरिकन्स मतलब बेसिकली अफ्रीका के थे बट अमेरिका में सेटल थे, ठीक है। तो उन्होंने वो ओलंपिक में रेस जीती। उसके बाद क्या हुआ, रेस जीतने के बाद जब उनको ऑनर किया गया मेडल के लिए, उनको स्टेज पे बुलाया गया, तो उन्होंने क्या किया था, ब्लैक सॉक्स पहनी थी और शूज़ नहीं पहने थे। तो वो कहीं ना कहीं ओलंपिक को उन्होंने एक अपने सोशल डिस्क्रिमिनेशन का स्टेज बना के यूज़ किया। उन्होंने क्या किया, जब उनको मेडल लेने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने पैरों में ब्लैक सॉक्स पहने थे। ब्लैक सॉक्स क्या थे, उनके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कि वो काले हैं, तो वो सिंबलाइज़ कर रहे थे कि हाँ उनके साथ इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। और शूज़ नहीं पहनना मतलब ये दिखा रहा था ब्लैक पॉवर्टी। ब्लैक पॉवर्टी मतलब जो लोग उनके जैसे हैं, स्किन वाइज ब्लैक हैं, या उनके साथ जिनके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है रेशियल, वो लोग एग्जैक्टली में कितने पुअर हैं और उनकी इतनी मिजरेबल कंडीशन है कि वो शूज़ भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे। और कंट्री जो है अपने बेनिफिट के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, या कह लो हर कंट्री का नाम होता है, फेमस होता है अगर वहाँ से कोई प्लेयर उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है इतने बड़े लेवल पे, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर यू कैन से पॉपुलैरिटी, फॉर द सेक ऑफ द कंट्रीज वेलबींग, तो उन्होंने क्या किया, उनको वो कंट्री सिर्फ रिप्रेजेंट कर रही है बट उनके साथ वही डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है और वो एक ब्लैक पॉवर्टी के सीन को दिखा रहे हैं उसमें। अब द सिल्वर मेडलिस्ट वाइट ऑस्ट्रेलियन एथलीट पीटर नॉर्मन वोर अ ह्यूमन राइट बैज ऑन हिज शर्ट ड्यूरिंग द सेरेमनी टू शो हिज सपोर्ट टू द टू अमेरिकन्स। अब देखो उसी ओलंपिक्स में एक ऑस्ट्रेलियन एथलीट को सिल्वर मेडल के लिए बुलाया गया, वहाँ पे सेरेमनी हो रही थी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। तो उसने क्या किया था, एक टी शर्ट पहनी हुई थी और उस टी शर्ट के बैच मतलब उसके पीछे ना एक लोगो बना हुआ था, एक बैच लगा हुआ था जो ह्यूमन राइट्स का बैच था। तो वो उससे ये शो कर रहा था कि उसको बहुत सिंपथी है उन ब्लैक लोगों से, कौन, कार्लोस और टॉमी, टॉम स्मिथ, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट में खड़ा होके, मतलब उस ओलंपिक्स में लोग इनडायरेक्टली अपने जेस्टर्स मतलब अपनी हरकतों के साथ या अपने हाव भाव के साथ वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह का सोशल डिवीजन और सोशल डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रहा है, या डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी क्या रोल प्ले कर रही है उनकी कंट्रीज़ में, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा सोशल इशू जो था वहाँ पे रिवील कर रहे थे। द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हेल्ड कार्लोस एंड स्मिथ गिल्टी ऑफ वायलेटिंग ओलंपिक स्पिरिट बाय मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। अब देखो बेटा, जब भी कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं वहाँ पे, वहाँ की एसोसिएशन किसी भी पॉलिटिकल इश्यूज को या पॉलिटिकल यू कैन से स्टेटमेंट को प्रमोट करने के लिए परमिशन नहीं देती, ना ही सोशल इश्यूज को वहाँ पे एक्सप्रेस करने के लिए या लोगों को अवेयर करने की परमिशन देती है। वो जो ओलंपिक गेम्स हैं या कोई भी स्पोर्ट्स यू कैन से स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की कैपेबिलिटीज़ जो हैं, जो उनका टैलेंट है, उनको आगे एक्सेल करने के लिए, उनको एक्सपोजर देने के लिए है। वहाँ पे ऐसे सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को क्रिएट करना या शो करना या सिंपथी गेन करने के लिए नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स में जिसमें क्वालिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी, वही जा रहा है। उसमें ये नहीं है कि वो गरीब थे उन पे दया करके वो रख लिया उनको, या कोई अमीर था और वो वाइट था, उसका कलर अच्छा था, वो देखने में सुंदर था, तो इसलिए उसको प्लेयर बना दिया, नहीं। वो क्या था, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने देखा कि कहीं ना कहीं ये एक स्पोर्ट्समैन और ओलंपिक स्पिरिट को हर्ट कर रहे हैं,
और उन्होंने उसके लिए उसको दोषी पाया, गिल्टी मीन्स कार्लोस और स्मिथ को उन्होंने बोला कि ये जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ना अपनी ब्लैक पॉवर्टी, ये बिल्कुल गलत है और हम आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल इजाज़त नहीं देते, क्योंकि ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसके रूल्स के अकॉर्डिंगली आप कोई भी अपना सोशल या पॉलिटिकल स्टेटमेंट यहाँ पे एक डिस्क्राइब नहीं कर सकते या शो नहीं कर सकते या उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते लोगों के आगे। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, उनके जो मेडल्स थे ना वो उनसे वापस ले लिए। नॉर्मन वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑस्ट्रेलियन टीम फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक। वो जो ऑस्ट्रेलियन एथलीट था जो वो ह्यूमन राइट्स का बैच पहन के आया था उसको टीम से निकाल दिया गया। द एथलीट्स वर रिस्पॉन्डिंग टू सोशल डिविजन एंड इनइक्वालिटीज। क्या कर रहे थे वो, लोगों को भड़काने की। देखो बेटा कहीं ना कहीं एक आप कहो जो ओलंपिक्स जैसे गेम्स हैं या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वहाँ पे आप ऐसे सोशल इश्यूज़ को उठाओगे, इनइक्वालिटीज़ की बात करोगे, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट क्या होता है बाकी लोगों पे पड़ता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में हर कंट्री से कोई ना कोई आया है, हर स्टेट से अलग अलग लोग आए हैं। वहाँ पे आप ऐसे सेकुलरिज्म दिखाओ या ऐसे कोई अपनी मतलब रिजिडिटी दिखाओ अपने रिलीजन को लेके या अपना कोई सोशल डिवीजन और इनइक्वालिटीज़ की बात करो, तो वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे इंसान के सेंटिमेंटल्स को भी हर्ट कर देती है और बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। आपको तो पता है इंडिया में ऐसा कुछ हो लोग तो 2 मिनट में सड़कों पर उतर आते पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होता। तो इसीलिए जो गेम्स हैं वो लोगों को कॉपरेशन सिखाते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सिखाते हैं और एक यूनिटी की फीलिंग क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। तो वो इस मोटिव से गेम्स बनाई गई हैं, इस मोटिव से नहीं बनाई गई कि आप वहाँ पे अपने सोशल इश्यूज़ को, डिविजन्स को या अपनी कंट्री की प्रॉब्लम्स को वर्ल्ड लेवल पे या सारी दुनिया के सामने एक्सप्रेस करो। सोशल डिफरेंसेस, अब सोशल डिफरेंसेस के बेसिस क्या है। सोशल डिफरेंसेस बेटा दो तरीके से होता है, एक होता है हमारी मर्जी से, एक होता है एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। चलो एक्सीडेंट ऑफ बर्थ बताती हूँ क्या होता है। देखो बेटा जो बच्चा है हिंदू फैमिली में हुआ, उसने जन्म लिया, क्या हुआ उसकी सोशल कंपोजिशन होगी ना, एथनिक कंपोजिशन होगी, रिलीजन उसका हिंदू। मान लो अगर वो ब्राह्मीन फैमिली में पैदा हुआ तो कास्ट उसकी ब्राह्मीन, कहाँ जाएगा वो, मंदिर जाएगा, ठीक है। कौन से कल्चर के रूल्स फॉलो करेगा, हिंदू रिलीजन के रूल्स फॉलो करेगा। तो ये होता है बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, कि कुछ चीज़ें जो होती हैं बच्चे के जन्म लेने से ही उसको मिल जाती हैं, ठीक है। अपने पेरेंट्स का कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन और जिस एरिया में वो पैदा हुआ वहाँ का वो सिटीजन हो गया। अगर पंजाब में हुआ तो जोड़ देंगे उसके साथ पंजाबी है, महाराष्ट्र में हुआ ये मराठी है, ठीक है, हिमाचल में हुआ वो हिमाचली है, हरियाणा में हुआ तो ये हरियाणवी है, गुजरात में पैदा हुआ ये गुजराती है। तो क्या हुआ, कुछ चीज़ें पैदा होते ही बच्चे को विरासत में दे दी जाती है, उसका 50% सोशल स्टेटस जो है या कह लो उसकी जो एथनिक कंपोजिशन होती है, उस बच्चे की सोशल आइडेंटिटी कहीं ना कहीं उसके बर्थ से ही रिलेटेड होती है। एक होता है बेस्ड ऑन आर चॉइस, हमारी मर्जी से, हम क्या सोचते हैं, हमारे क्या पर्सपेक्टिव हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक शहर से माइग्रेट होकर दूसरे शहर में बस गए, रहने लग गए, हमने अपना रिलीजन चेंज कर दिया, हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो पढ़ते हैं, तो बेस्ड ऑन आर चॉइस। दूसरा हमारा माइंड सेटअप, कुछ लोगों की सोच बड़ी छोटी होती है, नैरो माइंडेड होती है, वो सारा दिन कास्ट, रिलीजन इन्हीं चीज़ों में फंसे रह जाते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो दो चीज़ों पे ही सोशल डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं या कह लो कि सोसाइटी की कंपोजिशन डिवाइड होती है, वो होता है एक्सीडेंट ऑफ बर्थ और बेस्ड ऑन आर चॉइस। सोशल स्टेटस क्या था वहाँ के ब्लैक लोगों का, जैसे कि हमने कार्लोस और स्मिथ की बात की, दे जनरली पुअर, ठीक है, और बेचारों के पास घर भी नहीं था रहने का, और जो स्कूल कॉलेजेस या फिर ऑफिसेस थे काम करने की जगह थी वहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस वाइट लोगों को दी जाती थी, उनसे ना नफरत की जाती थी उनके रंग की वजह से, इंसान नहीं मानना था उनको, देख के लोग बहुत अजीब से रिएक्ट करते थे, तो कहीं ना कहीं उनकी डिग्निटी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उनके इमोशंस को हर्ट करती थी वो चीज़ें। और जो बेसिक राइट्स एक सिटीज़न को एक कंट्री में मिलने चाहिए वो भी उनको नहीं मिल रहे थे, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, अच्छी एजुकेशन नहीं ले सकते, स्कूल कॉलेजेस में उनके लिए कोई जगह नहीं, आगे वो बड़े हो जाएंगे तो जॉब्स में, ऑफिसेज में उनके लिए कोई जगह नहीं, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे, ये सोशल स्टेटस था ब्लैक पीपल का। अब देखो बेटा
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये समझ आ गया ना, समझ लेना कि आप बहुत कुछ समझ गए। अब मेरी बात सुनो, डिफरेंस का मीनिंग बताओ। डिफरेंस मीन्स फ़र्क, सिमिलैरिटी मीन्स सेम होना, डिवीजन मतलब बांट देना। ठीक है, हम सोसाइटी को दो तरीके से बांटते हैं, अगर हम अलग अलग हैं तो, और अगर हम सिमिलर हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझाना चाहूँगी। पीपल ऑफ सेम रीजन डजन बिलोंग टू सेम रिलीजन। मान लो आप पंजाब में रह रहे हो, तो आपके आस पड़ोस में जितने लोग हैं उनके साथ आपकी सिमिलैरिटी क्या है? वो भी पंजाबी, आप भी पंजाबी हो। ठीक है, क्यों? आप लोग दोनों एक ही स्टेट में रह रहे हो, है ना? बट इट्स कंपल्सरी कि जो रिलीजन आपका है वही रिलीजन उनका हो। हो सकता है आप सिख हो, वो हिंदू हो, वो मुस्लिम भी हो सकते हैं, वो क्रिश्चियन भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो क्या होता है, एक जगह रहने वाले लोग एक ही रिलीजन से बिलोंग करते हो, ये कंपलसरी नहीं है। तो सिमिलैरिटी क्या है उन दोनों में? एक ही जगह रह रहे हैं, सेम रीजन, एक ही जगह से हैं, पंजाबी ही हैं वो, ये सिमिलैरिटी होगी। डिफरेंस क्या हो गया उनमें? रिलीजन। तो हमने कैसे बांटा उनको? जब हमने रीजन के नाम पे पॉपुलेशन बांटनी शुरू की इंडिया की, इतने परसेंट पंजाबी हैं, इतने हरियाणवी हैं, इतने हिमाचली हैं, इतने साउथ इंडियंस हैं, इतने गुजराती हैं, इतने मराठी हैं, तो तब जब पंजाबी लोगों की रेशो आई तो आप उनके साथ थे। डिवीजन जब की हमने तो आप लोग एक ही ग्रुप था। और जब हमने रिलीजन की बात करी तो रीजन के नाम पे आप सेम थे, एक ही ग्रुप में थे, पर रिलीजन की जब रिलीजन के बेसिस पे आपको बांटा तो आपका ग्रुप चेंज हो गया। सेम ऐसी पीपल ऑफ सेम रिलीजन डजन बिलोंग टू सेम कास्ट। अब हिंदू रिलीजन, मान लो किसी बच्चे का हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है, जरूरी तो नहीं है जितने बच्चे क्लास में हिंदू रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं उनकी कास्ट बिल्कुल सेम हो। कोई ब्राह्मण होगा, कोई किसी की कास्ट सिंगला होगी, ठीक है, किसी की कास्ट शर्मा है, वर्मा है, ठाकुर है, खन्ना है, अलग अलग कास्ट होंगी ना, राइट? तो क्या होगा जब हम रिलीजन की बात करेंगे कि हाउ मैनी हिंदू, हाउ मैनी स्टूडेंट्स बिलोंग टू हिंदू फैमिली, तो बच्चे का हाथ खड़ा करेंगे। तो क्या हुआ, वो सेम रिलीजन से है तो वो एक ग्रुप के बच्चे हो गए। जब हम पूछेंगे हाउ मैनी बिलोंग टू ब्राह्मण कास्ट, तो उसमें अलग हो जाएंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स बिलोंग टू मराठी कम्युनिटी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स बिलोंग टू राजपूत कम्युनिटी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स बिलोंग टू पारसी कम्युनिटी। तो क्या हुआ, अलग अलग बंट गए वो कास्ट के बेसिस पे। पीपल ऑफ सेम रिलीजन एंड कास्ट बिलोंग टू डिफरेंट रीजन। आप देखो ऊपर वाले में सिमिलैरिटी क्या थी, रिलीजन, डिफरेंस क्या था, कास्ट। अब ऐसी एक ही धर्म के और एक ही कास्ट के लोग ज़रूरी नहीं है एक ही जगह रहते हों। जैसे हिंदू रिलीजन और ब्राह्मण कास्ट। अब ब्राह्मण तो पूरी दुनिया में है, ठीक है, और हिंदू भी दुनिया में बहुत लोग हैं। तो अब ब्राह्मण कास्ट में कुछ लोग हिमाचली हैं, पंजाबी हैं, गुजराती हैं, मराठी हैं, ठीक है, कुछ तमिलियन हैं, कुछ बंगाली पंडित हैं, कुछ कश्मीरी पंडित हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, रिलीजन और कास्ट के नाम पे तो वो एक है, हिंदू और ब्राह्मण, पर रहते क्या है, वो अलग अलग जगह है। तो जब हम उनकी कास्ट पूछेंगे तो वे एक ग्रुप में आ जाएंगे, यानी कि सिमिलर हैं, बहुत सिमिलैरिटीज हैं उनमें, बिल्कुल सेम सेम। रिलीजन की बात करेंगे तब भी सेम है वो, पर जब हम उनको पूछेंगे तुम कौन सी स्टेट में रहते हो, रीजन क्या है, पंजाबी हो, हिमाचली हो, बंगाली हो, मराठी हो, क्या हो, तो सब अलग अलग हो जाएंगे। तो वो क्या होगी, डिफरेंसेस और डिवीजन की इस बेसिस पे वो अलग थे तो हमने उनको अलग ग्रुप में डाल दिया। पीपल डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। बहुत बड़ा चैलेंज हमारे इंडिया का, हर 10 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज का एक्सेंट ही बदल जाता है। जाट, जाट एक ऐसी कम्युनिटी है जो पंजाब की मेजॉरिटी में आती है, बट उसमें भी लोगों ने डिवीजन कर दी, मलवई जाट, दूसरे जाट, एक हरियाणवी जाट, उसमें भी डिवीजन। क्यों? क्योंकि उनके लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की वजह से, लैंग्वेज की वजह से, उनका लैंग्वेज एक्सेंट अलग है।
तो उनकी लैंग्वेज से लोग पता लगा देते, अच्छा आप उधर से बिलोंग करते हो, आपका रीजन ये है, कोई मराठी बोल रहा था तो हम उसको कहते हैं ये मराठी बोल रहा है, ये महाराष्ट्र से होएगा, ये गुजराती बोल रहा है, ये गुजरात से होगा, ये पंजाबी बोल रहा है, ये पंजाब से होगा, ठीक है, ये हरियाणवी बोल रहा है, ये हरियाणा से होगा, ये बंगाली बोल रहा है, ये बंगाल से ही होगा। तो क्या हुआ, कास्ट के नाम पे भी सेम थे, रिलीजन के नाम पे भी वो सेम थे, फिर क्या हो गया, लैंग्वेज की वजह से अलग अलग हो गए, लैंग्वेज की वजह से हमने उनको डिवाइड कर दिया। तो दिस इज़ द डिफरेंसेस सिमिलैरिटीज एंड डिवीजन। फ़र्क होगा तो भी अलग अलग ग्रुप्स में बांट दी जाएगी पॉपुलेशन, या कह लो सोशल डिवीजन हो जाएगा उनका, सेम होंगे तब भी ग्रुप्स में बांट दिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स, क्या खेलते हैं जनरली लीडर्स ना, पॉलिटिक्स क्या खेलते हैं सोशल डिवीजन्स के पीछे, हाउ, तीन चीज़ें, तीन क्वेश्चन आते हैं देखो इसमें, तीन क्वेश्चन मतलब तीन चीज़ें मैटर करती हैं, हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज। अगर हम सिंपली ये मान के चले हम इंडियन हैं, कभी भी कोई दिक्कत होगी ही नहीं, जब हर किसी ने अपना झंडा उठा के रखना है, मैं ये, मैं वो, मैं वो, मैं ये, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स या कॉम्पिटिशन हो जाता है। देखो बेटा, कोई कहे मेरा रिलीजन सबसे ऊपर, मैं तो इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मेरी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा सुपीरियर, ऑब्वियसली वो चीज़ क्या करेगी, सोसाइटी में डिवीजन कर देगी, बांट देगी लोगों को, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर देगी, लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति नफरत हो जाएगी, ठीक है। तो पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिक्स कैसे खेली जाती है सोशल डिवीजन के ऊपर, कि लोग क्या समझते हैं, जैसे कि मान लो कोई स्टेट है, वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा रह रही है और हिंदू कम्युनिटी और अदर रिलीजन के लोग कम है। अब बहुत सिंपल सी बात है, मुस्लिम्स और हिंदू में और अदर कम्युनिटीज़ में कुछ ना कुछ बीच में रहते हैं डिफरेंसेस, उनके कल्चर को लेके, ट्रेडिशंस को लेके नहीं मिलते ख्यालत। तो अगर वहाँ पे लोग सीधा ये मान लें बड़े सिंपल तरीके से कि हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, वो भी ह्यूमन बीइंग, हम भी ह्यूमन बीइंग, कोई प्रॉब्लम ही ना है, अब क्या होता है, वो अपने रिलीजन को सुपीरियर बोल रहे हैं, वो अपने रिलीजन को सुपीरियर बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम अच्छे हैं, वो कह रहे हैं हम अच्छे हैं, वो एक दूसरे को ही गलत बोलना शुरू कर देते हैं। तो उसका फ़ायदा किसको होता है, पॉलिटिशियंस को, वो इसी बात पे पॉलिटिक्स खेल जाते हैं, ठीक है, और सोसाइटी डिवाइड हो जाती है। जैसे कि अभी देखो इतने दंगे हो रहे हैं मुसलमानों के लेके भी, अब क्या हुआ, उनको भड़का दिया, तुम मिनोरिटी में हो, लोग तुम्हें मारने आ रहे हैं, तुम ये, जबकि उनको बचाने आ रही थी, अब क्या हुआ, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और उसके ऊपर बहुत से लोग पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को भड़काने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से सोशल डिवीजन में पॉलिटिक्स होती है, रिचुअल राइट्स भी ऐसे होते हैं, एक रिलीजन वालों को दूसरे रिलीजन वालों के खिलाफ भड़का दो, आपस में लड़ा दो, ठीक है, उससे क्या होगा, सोसाइटी बंट जाएगी। ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ क्या किया था, ये किया था ना, पाकिस्तान इंडिया अलग कर दिया, हिंदू मुस्लिम्स को आपस में लड़ा दिया कि वो तुम्हें ऐसे कर देंगे, वो तुम्हें ऐसे कर देंगे, और हम आपस में लड़ पड़े और दो कंट्रीज बन गई। नेक्स्ट, हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी। अब देखो बेटा, कोई कम्युनिटी मतलब कह लो कि सड़क पे ही आ जाती है, समटाइम्स ऐसे हुआ है हमारे इंडिया में बहुत सी बारी, मतलब रिचुअल राइट्स कह लो या पब्लिक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ है, जैसे कि बहुत बार भारत बंद हुआ, उसमें क्या था, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडर्स ने किसी ना किसी कम्युनिटी की वीकनेस को लेके उसको इतना इनसिक्योर कर दिया, इतना इनसिक्योर कर दिया कि वो लोग इतने, देखो लोग बड़े भोले होते हैं, वो इतने मतलब इग्नोरेंट हैं, इतने अवेयर नहीं है वो, कि वो जा पहचान सकें कि कौन हमें मतलब भड़काने की कोशिश कर रहा है या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि हमारी डिग्निटी या हमारी कम्युनिटी के ऊपर ये बात आ जाएगी, तो वो इनसिक्योर फील करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को सेफ नहीं महसूस करते, जिसकी वजह से क्या होता है, वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो सोशल डिवीजन इस तरीके से होता है कि पॉलिटिकल लीडर्स किस तरह के डर्टी ट्रिक्स प्ले करके लोगों को भड़का रहे हैं और उन किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी का मुद्दा बना के उछाल रहे हैं उसको, कि हाँ ये कम्युनिटी के साथ तो ऐसे कर दिया आपने, ये कर दिया, और ऑपोजिशन के चार लोग आके उसमें और आग में घी डाल रहे हैं, मतलब और उस चीज़ को बढ़ाई जा रहे, बढ़ाई जा रहे, हाँ, बहुत गलत हुआ, बहुत, व्हाट्स दैट। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये पॉलिटिक्स खेली जाती है सोशल डिवीजन पे, ठीक है।
एक ही चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना, या लोगों को बेवकूफ बनाना, या उसको अपने वोट बैंक के लिए उनको यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू डिमांड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। दूसरा, एक तो हो गया पहले लोगों को भड़का दिया, लोग सड़कों पे आ गए, ठीक है, उसके बाद दंगे हो गए या कोई भी सोशल डिस्टर्बेंसेस हो गए जिसकी वजह से कंट्री की पीस एंड सिक्योरिटी पे बात आ गई। उसके बाद जो चीज़ डिसाइड करती है सोशल डिवीज़न को, या कह लो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सोशल डिवीज़न में, वो होता है गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। मान लो जैसे पीछे भारत बंद हुआ, तो उसमें क्या था, मिनोरिटी ग्रुप्स को, स्पेशली SC और ST कैटेगरी वाले लोगों को इनसिक्योर किया गया, उनकी डिग्निटी के ऊपर क्वेश्चन उठाए गए, एक पॉलिटिकल स्टंट खेला गया उन बेचारों को टारगेट रख के, या कह लो उनको मतलब ना आगे अपने खड़ा करके पॉलिटिशियंस ने अपना, बहुत से लोगों ने पॉलिटिक्स खेली उसके ऊपर, ठीक है ना। क्या था वो एक तरह से एक कम्युनिटी को भड़काना ही था ना एक दूसरे के खिलाफ। उससे क्या हुआ, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, ठीक है, और इकोनॉमी का भी नुकसान हुआ। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट फाइनल रिएक्शन क्या था कि गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स जो भी वो मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमें ये हक चाहिए, हमारे लिए ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या रिएक्शन दिया, उनकी मांगे मान ली या उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की। तो ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे कि 2014 की बात है, 2014 में बेटा तेलंगाना एक अलग स्टेट डिक्लेयर करी गई। क्यों करी गई, लैंग्वेज का प्रॉब्लम, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम इतना हो गया, लैंग्वेज के दो ग्रुप में लोग बंटे हुए थे, वो अलग लैंग्वेज बोलते थे, वो अलग लैंग्वेज बोलते थे, वो इतना बड़ा इशू क्रिएट किया गया, उसके ऊपर इतने पॉलिटिकल स्टंट्स खेले गए, अल्टीमेटली लोगों के बीच में इतने डिफरेंसेस हो गए कि गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि हमें अलग कर दो, हमारी अलग स्टेट बना दो। तो क्या हुआ, उनकी ये डिमांड थी, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या रिएक्शन दिया उसके ऊपर, उनको प्रूव कर दिया, ठीक है, बना लो अपनी अलग स्टेट, रहो वहाँ पर। तो ये पॉलिटिक्स खेली जाती है सोशल डिवीजन पे। पहले तो हमें इतना समझदार बनना चाहिए, हम डेमोक्रेसी का पार्ट हैं, 21st century की बात करते हैं, डेवलप्ड नेशंस के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, हम इतने पढ़े लिखे हो के हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमें अपनी एक ही आइडेंटिटी रखनी है, इंडियन, ठीक है, और किसी के भी रिलीजन को हमने ऐसे मतलब कह लो लो नहीं करना, या उसको मतलब ऐसे कुछ गलत नहीं बोलना जिससे कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो, ठीक है। गॉड इज़ वन, यू शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन, ठीक है, और अपने रिलीजन को अगर आप सुपीरियर मानते हो बहुत अच्छी बात है, बट किसी के रिलीजन को इन्फीरियर नहीं मानो, किसी इंसान को छोटा मत समझो, हर किसी की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। तो अगर लोग अपनी आइडेंटिटी की जो परसेप्शन है, यानी कि अपनी जो सोच है खुद को लेकर, अपने रिलीजन को लेकर, अपनी कास्ट को लेकर, और दूसरे लोगों के रिलीजन और कास्ट को लेकर अगर वो लोग बदल देंगे, तो कहीं ना कहीं सोशल डिवीजन का जो मैटर है बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। और डाइवर्सिटी में भी आप कह लो कि हम डाइवर्स होने के साथ साथ एक पीसफुल नेशन भी बन सकते हैं, ठीक है। ऊपर से पॉलिटिकल लीडर्स अपनी डर्टी ट्रिक्स ना प्ले करें, अपनी डर्टी पॉलिटिकल गेम्स ना खेलें और लोगों को ना भड़काएं, तो भी सोशल डिविजन्स कहीं ना कहीं ठीक तरीके से हो सकती है और लोग मिलजुल के साथ रह सकते हैं सोशली डिफरेंट होने के बावजूद भी। और गवर्नमेंट का जो रिएक्शन है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर गवर्नमेंट किस तरीके से उन लोगों के साथ डील करती है ये डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट उन चीज़ों के साथ अच्छे से डील नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगेगा, उस कम्युनिटी के लोगों को, कि भी हाँ हमारे साथ थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन हो गया, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनता। तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसका इफेक्ट पूरी कंट्री के ऊपर दिखेगा हमें, ठीक है। तो ये है पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड फॉर योर कोऑपरेशन। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी अबाउट दिस टॉपिक, तो प्लीज़ बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ subscribe my channel, share and comment, and press the bell icon. If you press the bell icon, you will get the notification of next video. And thank you so much.